ट्वेल्थ क्लास। आई होप बेटा जो भी मैंने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी सैम्पल पेपर डिस्कस किए, आप सभी उन क्वेश्चन से, उन वीडियो से बेनिफिट्स ले रहे होंगे। आज मैं बेटा डिस्कस करने लगी हूँ अगेन आपके लिए एक टर्म टू का पेपर। नो डाउट ये पेपर सीबीएसई ने ही इश्यू किया है बेटा, बट वेरी लेस पीपल नो अबाउट दिस, क्योंकि ये पेपर एज सच सैंपल क्वेश्चन पेपर कह के इश्यू नहीं किया हुआ सीबीएसई ने। अगर आप cbseacademics.in पर जाएं, वहां आप सैंपल पेपर सेक्शन के साथ एक सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में अगर आप ट्वेल्थ के सेक्शन में जाएं तो वहां पर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये इसमें आपको पेपर मिलेगा। और बिल्कुल ये पेपर भी आपका वही 40 मार्क्स का पेपर है बेटा, और वही पैटर्न है जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू हुआ था। बट मुझे लगता है इसके क्वेश्चन उनसे थोड़े डिफरेंट है। क्वेश्चंस मुझे, मैं लर्निंग वाइज बहुत लाइक कर रही हूँ इन क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं, आई होप आप भी इनको लाइक करेंगे। आई कांट से कितनी इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है जो सीबीएसई ने इसे मेन स्ट्रीम ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर में इशू नहीं किया, रादर देन क्वेश्चन बैंक में इशू किया। बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बेटा, आप इन स्पाइट ऑफ एग्जामिनेशन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एंड आई होप आप भी इंजॉय करेंगे इन क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द इक्वेशन गिवन बिलो। अब ये इक्वेशन क्या है बेटा, इंटीग्रल ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज दिस फंक्शन, फाइंड एफ वाई, शो योर स्टेप्स। ये शो योर स्टेप्स बेटा इनके सभी क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। इसमें नो डाउट आप मिनिमम ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हैं, हम स्टेप्स करते ही हैं, तो आई विल नॉट रीड इट अगेन एंड अगेन। बट क्वेश्चन पर आए बेटा वापस, इंटीग्रल ऑफ एफ वाई इज दिस, यू आर टू फाइंड एफ वाई। एंड वी नो बेटा इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट। अगर मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एफ वाई मुझे दे रखा है, लॉग ऑफ दिस फंक्शन है, दैट मीन्स एफ वाई विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, राइट। दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो डेरिवेटिव इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, लॉग का विद बेस ई, यही फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है जनरली। दिस विल बी 1/y + 1/y, बिकॉज एग्जैक्टली वाई नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई में ही फंक्शन देखना है। एग्जैक्टली वाई नहीं है, वाई प्लस वन बाई वाई है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। वाई का डेरिवेटिव 1/y का डेरिवेटिव -1/y2, चेन रूल यूज किया हमने बेटा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी y2 + 1 और y/y2 + 1, एंड दिस विल बी इनटू y²-1/y², 1y विल कैंसल विद दिस एंड वी विल गेट y²-1/y²+1, दिस विल बी द फंक्शन, इजी टू गेट। बट आप देखो, अब इसी एक क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे बेटा, रेगुलरली आप ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते सैंपल पेपर में, और उसमें नहीं देखते, आपकी कंसेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। यस, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो आपको इंटीग्रल दिया है, अब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेट साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 cos²-1 विद रिस्पेक्ट टू ए। देख रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन एक्स एक्स में होते हैं, अब यहाँ ए में दे रखा है, तो ये एक और अलग अंडरस्टैंडिंग कि यस आपने इंटीग्रल के सेम फॉर्मूला ही यूज करने होते हैं, जबकि आपका वेरिएबल कोई दूसरा भी हो और उसके विद रिस्पेक्ट ही कर रहे हो तो, ओके। और इस इंटीग्रल को आई थिंक बिल्कुल आप देख पा रहे हैं बेटा, सबसे पहले आपको सूझेगा सब्स्टिट्यूशन,
कॉस ए अपॉन टू कॉस करिए माइनस वन, कॉस ए पुट कर दें तो साइन ए उसका डेरिवेटिव, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। बट जो थोड़ा सा और विजुलाइज करेगा बेटे, साइन ए कॉस ए, साइन टू ए के फॉर्मूले में आता है, टू कॉस करिए माइनस वन कॉस टू ए के फॉर्मूले में आता है, दैट मीन्स इसे मैं टेन टू ए में भी चेंज कर सकती हूँ, उससे भी कर सकती हूँ। ओके तो आई विल डू बाय बोथ बेटा। चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते करते हैं, जो मोस्टली के माइंड में आएगा कॉस ए इज इक्वल टू टी, टी एक्स भी ले सकते थे आप क्योंकि क्वेश्चन एक्स में नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। कॉस ए का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन ए, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू ए किया और टी को विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट मीन्स आई जो हमारा इंटीग्रल था साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन टी ए विल बी, दिस विल बी कॉस ए इज टी, कॉस ए इज अगेन टी, टू टी स्क्वायर माइनस वन साइन ए डी ए इज माइनस टी टी। ओके अब आप देखें टू टी स्क्वायर माइनस वन को पुट कर दें टी, या फिर टू टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव, टू टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव आप देखेंगे बेटा तो क्या आएगा, फोर्टी, फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो नीचे फंक्शन हो गया, ऊपर इसका डेरिवेटिव हो गया, रिजल्ट कि इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज इन न्यूमरेटर एंड फंक्शन इटसेल्फ इज इन डेनोमिनेटर, दिस इंटीग्रल वी कैन डायरेक्टली राइट एज दिस लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट। तो दिस विल बी माइनस वन बाय फोर इज कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टू टी स्क्वेयर माइनस वन प्लस सी, टी को वापस पुट कर दीजिए, हमेशा आंसर उसी वेरिएबल में बेटा जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है, कभी भी अपने चेंज किए हुए वेरिएबल में आंसर मत छोड़िए, बी केयरफुल। ओके सिंपल टू गेट, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट गैस हो जाता है। अब मैं इसे एक बार चलिए फॉर्मूले से करने के लिए मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले, ओके एक बार मैं फॉर्मूले रिकॉल करवा देती हूँ आपको, कौन कौन से यूज करने लगी हूँ बेटा। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला साइन टू ए इज नथिंग बट टू साइन ए कॉज ए, सेकेंड फॉर्मूला कॉस टू ए के हमने मॉडिफाई करके तीन फॉर्मूले याद किए हैं बेटा, उनमें से वन ऑफ द फॉर्मूला टू कॉस केयर ए माइनस वन। ओके तो साइन ए कॉस ए इसको मैं लिख सकती हूँ बेटा वन बाय टू टाइम्स साइन टू ए, ओके और टू कॉस करिए माइनस वन को मैं लिख सकती हूँ कॉस टू ए। आप चाहें तो टेन में बदलने की बजाय अभी भी सीधा कर सकते हैं, कॉस टू ए उसका डेरिवेटिव साइन टू ए, ठीक है, लेकिन टू से डिवाइड होगा है ना, लेट मी जस्ट राइट। चलिए मैं टेन में नहीं बदलती क्योंकि टेन का भी कई बार बच्चों को फॉर्मूला याद होता है, कई बार नहीं होता, मैं इसको कर देती हूँ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मैंने यहाँ एडजस्ट किया माइनस टू साइन टू ए, आई मीन टू से कॉस टू ए का डेरिवेटिव आप देखोगे तो दैट इज माइनस टू साइन टू ए, है ना, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू साइन टू एक्स, नीचे कॉस टू ए फंक्शन है ऊपर माइनस टू साइन टू ए, तो जो अभी हमने रिजल्ट किया था यूज डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका इंटीग्रल डायरेक्टली हम लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ बेटा मैं, आपको भी बहुत गाइड किया है मैंने इसे, माइनस वन बाय फोर दिस विल बी लॉग ऑफ मॉड कॉस टू ए। ओके अब आपको लग रहा होगा पीछे और ये डिफरेंट फॉर्म, बट एनी टाइम कॉस टू ए को टू कॉस के लिए माइनस वन भी हम लिख सकते हैं बेटा, वापस सिमिलर हो गया रिजल्ट, और आपको कहती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट यूज करके आंसर आपके वेरी कर सकते हैं, कभी भी उससे मत घबराइए, अपने मैथड पर कॉन्फिडेंस रखिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
Shown below is a differential equation y is equal to e power sine of d cube y by dx cube whole square plus dy by dx whole power 4. अब यहां अगर अंडरस्टैंडिंग करो बेटा, ये एक एक्सप्रेशन है प्लस ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का ऑर्डर आप कहें तो ऑर्डर तो सिंपली हम बात करते हैं बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो क्लियर कट थ्री हो गया बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हुआ। डिग्री, डिग्री हम क्या कहते हैं बेटा, अगर ये इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी जा सकती है तब हम इसकी डिग्री देखते हैं, राइट। अभी क्या है ये ई पावर साइन ऑफ दिस स्पेशल फंक्शन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी रिटन एज पॉलिनोमियल, दैट मीन्स इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, ऑर्डर और डिग्री गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। ऑर्डर थ्री बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज थ्री, एज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है। रीजन लिखना है बेटा आपने, नॉट डिफाइंड एज इट can't be expressed, this equation can't be expressed as a polynomial equation in derivatives, okay, good question beta। दो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रेगुलरली आते हैं बेटा, रीजन नहीं पूछते, ठीक है, सीधा आपको ऑर्डर डिग्री बताने को कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर आप देखेंगे आगे भी क्वेश्चन बेटा थॉरो लर्निंग बेस पढ़ने वाले बच्चे के लिए है। शोन बिलो आर टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म्स, कंपोनेंट फॉर्म में है ये दो वैक्टर। फॉर वट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर द वैक्टर्स कोलिनियर, कोलिनियर शो योर स्टेप्स। यार कोलिनियर के लिए बेटा आपको ध्यान है, कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया था ओके ए और बी के टर्म्स में बताया था, चलिए यू और वी के टर्म्स में लेते हैं। यू इज इक्वल टू लैम्डा वी या वी इज इक्वल टू लैम्डा यू, मतलब एक दूसरे के मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में कहूं तो इनके कोफिशियंट्स जो होंगे वो प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है। वैक्टर्स यू एंड वी आर कोलिनियर, दैट मीन्स इनके जो कोफिशियंट हैं वो प्रोपोर्शनेट होंगे। तो फर्स्ट का एक्स कंपोनेंट थ्री, दूसरे का एक्स कंपोनेंट माइनस सिक्स, दूसरे फर्स्ट का वाई कंपोनेंट माइनस बी, दूसरे का वाई कंपोनेंट 14, फर्स्ट का जेड कंपोनेंट 5, दूसरे का जेड कंपोनेंट क्यू। तो बस इस इक्वालिटी से आपने p एंड q कैलकुलेट करना है बेटा, दिस इज नथिंग बट माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पी बाय 14, यहां से p निकल जाएगा, एंड माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/q, यहां से q निकल जाएगा। p क्या हो जाएगा यहां से बेटा 14/2, माइनस माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए, एंड q हो जाएगा बेटा माइनस 5 × 2, दैट मीन्स माइनस 10। ओके, सिंपल टू गेट। देख रहे हैं हर क्वेश्चन में शो योर स्टेप्स लिखा हुआ आ रहा है बेटा, और डेफिनेटली मिनिमम 2 का भी आया तो हम दिखा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स इन ए स्पेस, लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। पैरेलल है बेटा, अभी जो हमने किया कोलिनियर एंड पैरेलल, कोलिनियर एंड पैरेलल में थोड़ा सा बस डिफरेंस है बेटा, कोलिनियर में वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं मल्टीपल होने के साथ साथ। पैरेलल में डायरेक्शन सेम रहेगा, एग्जैक्ट डायरेक्शन एग्जैक्ट सेम रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकते, ओके।
तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो सेम ढंग से ही करेंगे, एस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो इनके डी आर सेम्स होंगे। ये लाइंस है, मैं लाइन का एरो डाल देती हूं बेटे। देयरफॉर डी आर ऑफ ए बी एंड सी डी आर प्रोपोर्शनेट, तो ए बी के डी आर हो गए बेटा माइनस टू माइनस माइनस वन प्लस वन, दूसरा हो गया थ्री माइनस थ्री जीरो, तीसरा हो गया माइनस वन माइनस टू। ठीक है, बी के कंपोनेंट में से ए के कंपोनेंट माइनस किए तो डी आर आ गए ए बी के। सी डी के डेनोमिनेटर में सी डी के लिख देती हूँ बेटा, प्रोपोर्शन कह रहे हैं हम, इसमें से हमने सी के कंपोनेंट माइनस करने हैं, माइनस टू माइनस फाइव दैट मीन्स माइनस टू प्लस फाइव एंड माइनस फोर प्लस फोर, ओके थ्री माइनस बी। ओके, अब आप देखें ये तो जीरो बाय जीरो ही आ गया, चलिए मैं इसे कर देती हूँ एक बार, माइनस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो बाय जीरो इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस बी। तो बस यहां से फर्स्ट एंड थर्ड की इक्वालिटी से आप निकाल सकते हैं बेटा पी, दिस विल बी माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू माइनस नाइन एंड दिस विल गिव p इक्वल टू माइनस नाइन प्लस थ्री दैट मीन्स माइनस सिक्स। ओके, रीजन हम स्टार्टिंग में ही दे चुके बेटा, वैल्यू आ गई हमारी माइनस सिक्स। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए, भवानी इज गोइंग टू प्ले ए गेम ऑफ चेस अगेंस्ट वन ऑफ फोर ओपोनेंट्स इन एन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपिटिशन। Each opponent is equally likely to be paired against her. The table below shows the chance of Bhavani losing when paired against each opponent. Opponent 1, 2, 3, 4, आप टेबल देख रहे हैं, भवानीज चांसेस ऑफ लूजिंग 12% विद ऑपोनेंट 1, दैट मीन्स ओपोनेंट 1 के सामने भवानी के फेल होने के, लूज करने के, गेम लूज करने के चांस होंगे 12%, ओपोनेंट 2 के अपोजिट 60%, ओपोनेंट 3 के x परसेंट मिसिंग है बेटा, ओपोनेंट 4 के 84%। ओके, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट भवानी लॉसेस द गेम दैट डे इज 1/2, find the probability for Bhavani to be losing the game when paired against opponent 3, show your steps. Yes, देखिए 2 marks में क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन आपको अगर पढ़ते पढ़ते समझ आ गया है तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी में आते हैं, तो ए आपकी अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल बेटा। इसको अगर मैं डिटेल में इवेंट्स वगैरह ना लिखूं, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ भवानी लूजिंग द गेम लिखो। देखिए यहां पर मैं आपको एक बार उसी फ्लो में अंडरस्टैंड करवाती हूँ, दो एक्टिविटी हो रही है, पहले ओपोनेंट चूज हो रहा है, फिर भवानी लूज कर रही है गेम, सेकेंड एक्टिविटी का रिजल्ट। ठीक है, तो ओपोनेंट चूज होगा, आप अगर एक तरीके से अपने रेगुलर वे में समझें तो E1, E2, E3, E4 आपके इवेंट्स हम काउंट कर रहे हैं, ओपोनेंट 1 चूज हुआ, ओपोनेंट 2 चूज हुआ, ओपोनेंट 3 चूज हुआ, ओपोनेंट 4 चूज हुआ। ठीक है, इसके अलावा ए इवेंट ले रहे हैं हम, भवानी इज लूजिंग द गेम, भवानी इज लूजिंग। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, सबके पेयर्ड होने के तो इक्वल चांसेस है, आर फोर ओपोनेंट्स है, दैट मीन्स 1/4 चांसेस है सभी के, और इनके भवानी के लूज होने के जब ओपोनेंट 1, दैट मीन्स आई कैन से प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी E4, ये आपके सब आ गए 1/4। ठीक है, और जो हम सेकेंड चीज निकालते हैं इन थ्योरम्स को यूज करने के लिए, भवानी लूजिंग व्हेन अपोनेंट 1 इज देयर, दैट इज 12%, ये जो आ रहा है आपका, भवानी लूजिंग द गेम व्हेन अपोनेंट 1 इज देयर,
भवानी इज लूजिंग द गेम व्हेन अपोनेंट टू इज देयर. भवानी इज लूजिंग द गेम व्हेन अपोनेंट थ्री इज देयर. भवानी इज लूजिंग द गेम व्हेन अपोनेंट फोर इज देयर. बट डू रिमेम्बर 12% हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मीन्स 12 out of 100. 60%, दैट मीन्स 60 upon 100. This is x percent, that means x upon 100. Okay? And this is 84 upon 100. Okay? तो आपको जो पूछा है probability भवानी loses the game. is 1/2, that means probability of A is 1/2. तो क्या यूज हुआ बेटा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन, प्रोबेबिलिटी ई टू प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई टू, है ना, यही सम आता है. ये कंप्लीट हाफ देर किया है, ये सारे रिलेशन में आपका एक्स में रिलेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर दीजिए. और आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर भवानी टू बी लूजिंग द गेम व्हेन पेयर्ड अगेंस्ट अपोनेंट थ्री, दैट मीन्स ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी पूछी है. ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ए इज 1/2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इवन. आप इसको बिल्कुल ये पूरी इवेंट मान के ना लिखे बेटा, इसलिए मैंने साइड में लिखा है. आपको मैं रिकॉल करा रही हूं, ये आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिए. सीधा आप प्रोबेबिलिटी इज हाफ से ये सीधा आप लिख सकते हैं, क्योंकि टू मार्कर क्वेश्चन है बेटा. इन सब में डेप्थ में मत जाइए, सिर्फ माइंड में रखिए. आपको समझाने के लिए अच्छे से समझ आ जाए मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, बट साथ साथ ये भी बताती हूँ कहाँ आपने कम लिखना है, तो वो ध्यान रखा करिए. ठीक है, जो अब मैं स्टेप लिखने जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ए इवन ई टू कुछ मत मानिए. जो हमने पीछे लाइन लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ भवानी लूजिंग द गेम हाफ, वहां से अब जो मैं लाइन लिखने लगी हूँ वो लिखिए. प्रोबेबिलिटी ई वन 1/4, प्रोबेबिलिटी ई टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ई थ्री 1/4, प्रोबेबिलिटी ई फोर 1/4. मतलब इक्वल चांसेस ऑफ चूजिंग द ओपोनेंट. अब ए गिवन इवन, ओके एक बार चेक कर लेते हैं गलती ना हो, 12 था वैसे, 12 60 x 84. ठीक है, 12/100, 60/100, x/100 and 84/100. ओके, दिस इज 1/2. आप देख रहे हैं बेटा ये कितना सिंपल हो गया ऐड करना, सबका डेनोमिनेटर 400, एलसीएम 400 आ गया, न्यूमरेटर आप ऐड कर देंगे एंड दिस इज नथिंग बट हाफ. नाउ x plus this all is 144 and 156, और 400 आपका राइट में गया, 400 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 200. x इज 200 माइनस 156, That means 44. X is 44 बेटा, और probability ही पूछिए, probability required probability लिख देती हूँ proper language लिखने के बजाय. X by 100 पूछा एक तरीके से, required probability probability of losing the game against the opponent 3, that is x percent, that means x by 100, that means 44/100, and इसको आप लिख सकते हैं 11/25 डायरेक्ट. ओके, 4 से कट हो जाएगा, 11/25. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम अगेंस्ट ओपोनेंट 3. गुड क्वेश्चन बेटा. चलिए हाँ एक बार फिर से कह देती हूँ बेटे, ए इवन ई टू थ्री मानने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग लैंग्वेज लिखिए और ये लिखिए इसको सॉल्व. ओके, ये आपको खुद ध्यान रखना बेटा, 2 मार्क्स में कभी भी 6 मार्क्स की मेहनत नहीं करनी, आपने उतना ध्यान रखना है कितना मिनिमम लिखना है.
यस, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सेक्शन ए। इन द गेम ऑफ आर्चरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखित एंड हरीश हिटिंग द टारगेट आर 2/3 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ऑफ देम शूट एन एरो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज नॉट हिट बाय आइदर ऑफ देम। शो योर स्टेप्स दैट। देखिए, लिखित और हरीश टारगेट हिट कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 2/3 एंड 3/4, और दोनों एरो शूट कर रहे हैं। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज नॉट हिट बाय आइदर ऑफ देम, दैट मींस नॉट बाय लिखित, नॉट बाय हरीश। ओके, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, लिखित एंड हरीश का टारगेट करना, लिखित इज हिटिंग द टारगेट, ये अगर आप इवेंट ए मान लेते हैं, और बी आप इवेंट मान लेते हैं, हरीश इज हिटिंग द टारगेट। पहले तो ये बताइए बेटा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं? दैट मीन्स लिखित के टारगेट को हिट करने और हरीश को टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटीज क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? क्लियर कट। कई बार हम बेटे फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, बट कई बार हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता होता है बिल्कुल नहीं डिपेंड करेंगी बेटा। लिखित ने अपने हिसाब से हिट करना है, हरीश ने अपने टैक्टिक्स के हिसाब से हिट करना है, दोनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रही है कि यस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जो आप देखो, आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ए इज 2/3, प्रोबेबिलिटी बी इज 3/4, और आपसे पूछा है जो हिट ना करे, ना तो लिखित हिट करे और ना ही हरीश हिट करे, दैट मीन्स आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट हिट बाय लिखित इंटरसेक्शन नॉट हिट बाय हरीश। ओके, ये पूछा आपसे, और आप ध्यान रख लीजिए बेटा, ए एंड बी जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए नॉट एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी, बिकॉज ए नॉट एंड बी नॉट विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी नॉट बी क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी, दैट मीन्स 1 माइनस 2/3 इंटू 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/4, 1/12। 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी कि टारगेट इज नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, नाइदर बाय लिखित नॉर बाय हरीश। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। सेक्शन ए इस पेपर का मैंने करवा दिया आज आपको, और मुझे ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बेटा बहुत पसंद आया। आई होप आप भी उस ढंग से लेके इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, सेक्शन बी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।